हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में आपका पैसा 2 से 3 गुना जल्दी ही कर सकते हैं, और तीनों ही शेयर्स जो हैं अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला जो शेयर है वो हमारा ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता नजर आ रहा है। अच्छे खासे इन कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छी खासी हेल्दी बैलेंस शीट भी है, और इन तीनों स्टॉक्स को हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले स्टॉक की अगर बात करें तो इस कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 500 रुपये और 50 पैसे पे, यानी कि जहां प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी पे जाके स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। 5 दिन का अगर चार्ट देखेंगे इस कंपनी का तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास के रिटर्न जो है बीते 5 दिनों के अंदर स्टॉक ने बनाकर दिए। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने के अंदर भी 5% के आसपास की ही तेजी है। 6 महीने का डाटा देखेंगे आप तो 121% के रिटर्न, 6 महीने के अंदर आपका पैसा डबल ऑलमोस्ट कर चुका है, और अच्छी खासी रैली जो है बीते 6 महीने के अंदर हमें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल चुकी है। 1 साल का डाटा अगर देखेंगे तो 168% के रिटर्न है, 168% के आसपास के रिटर्न जो है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। 5 साल की बात करें तो 168% है। मैक्सिमम रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 1600% के आसपास के रिटर्न जो है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड अभी तक इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। अब आने वाले समय में ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी जो है वो बुलिश मोड में है। क्योंकि बुलिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19,300 के आसपास जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया, और वहां से अब जो है दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इन स्टॉक्स में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप 3,500 करोड़ के आसपास का है, 52-week high 541 रुपये का है, और स्टॉक अभी अपने करंट लेवल पे अगर बात करें तो 500 रुपये के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। 541 के आसपास की जो है स्टॉक की 52-week high भी देखने को मिल रही है। 3 साल का अगर डाटा देखें इस कंपनी का तो 3 साल में ऑलमोस्ट 450% के रिटर्न दे दिए हैं, यानी कि हर साल 150% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो लास्ट क्लोजिंग का जो वॉल्यूम रहा था ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास का देखने को मिला था, डिलीवरी 42,000 के आसपास की। उससे पहले दिन का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास का, वीकली एवरेज 1 लाख और मंथली एवरेज ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में तेजी बन सकती है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बुलिश मोड में है, और इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो एक स्मॉल कैप कंपनीज के हिसाब से है, तो इनको अपने आने वाले समय में 2 से 3 गुना 4 गुना होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। और ऑटो सेक्टर की डिमांड आपको पता है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें ऑटो सेक्टर के पार्ट्स, ऑटो सेक्टर की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी डिमांड कितने ज़्यादा है, जो कि आने वाले समय में और भी बड़ी तेजी के साथ हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाई इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम्स फॉर द ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1961, प्रमोटेड बाय द मिस्टर मेहुल के पटेल, हु हैज मोर देन 40 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती नजर आ रही है, जो कि सप्लाई करती है और मैन्युफैक्चर करते हैं किसको, इंजन के जो कूलिंग मॉड्यूल्स होते हैं और सिस्टम्स जो होते हैं ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। कंपनी के अगर कस्टमर्स की हम बात करें तो देखिए अशोक लेलैंड, आईसर मोटर्स, महिंद्रा, गोदरेज, इंडियन रेलवे एंड फ्यू अदर्स। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे देखिए कि इंडियन रेलवेज तक कोई अपने पार्ट सप्लाई करते हैं, आईसर मोटर्स को, अशोक लेलैंड को, तो बहुत बड़ा इनका वेयर हाउस है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस इट्स 6 सेल्स एंड लॉजिस्टिक ऑफिसेज। इट्स वोस नेदरलैंड्सी रेडिएटर्न फैब्रिक बी नीदरलैंड्स हैज 19 वेयर हाउस स्प्रेड अक्रॉस यूरोप टू फैसिलेट एक्सप्रेस डिलीवरी अक्रॉस 80 countries। तो कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही वास्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 3,500 करोड़ के आसपास का, रिटर्न ऑन कैपिटल 25.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% के आसपास है। डिविडेंड की बात करें तो 4.39% का डिविडेंड भी कंपनी देती नजर आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा था लास्ट क्वार्टर के अंदर 97 करोड़ का था, जो कि ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ था, 67 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ तक पहुंच चुका था। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व 987 करोड़ के, बोरिंग्स देखें तो 418 करोड़ का कर्जा भी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 67.88% जो है प्रमोटर्स के पास है,
एफआई के पास 1.87%, डीआई 0.02% और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 30% स्टेक देखने को मिल जाता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं अब अपने सेकंड स्टॉक की, जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है, जो कि यानी कि हाईवेज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बड़े बड़े अडानी जैसे इन कंपनीज के हमें क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और कौन सा ये शेयर है वो भी जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड और मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। और बात करें अगर कंपनी की मार्केट कैप की तो 6203 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और एंटरप्राइजेज वैल्यू देखें तो 6527 करोड़ की, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 6.5 करोड़ के आसपास के टोटल शेयर्स हैं मार्केट के अंदर। पी देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.03, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.27, फेस वैल्यू जो है स्टॉक की 10 रुपये की है, यानी कि इन फ्यूचर ये कंपनी स्प्लिट देने की कंडीशन में है। कर्जा जो है ऑलमोस्ट 503 करोड़ के आसपास का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है। अर्निंग पर शेयर 67.84, सेल्स ग्रोथ 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल देखें आप 32% के आसपास का है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 24% की। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े लेवल पर आप लोगों को लेकर जा सकती है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 1 साल की तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 22% के आसपास की है, 3 ईयर्स 26%, 5 ईयर्स 25%, प्रॉफिट ग्रोथ फर्स्ट ईयर की ऑलमोस्ट 24% है, 3 साल की 36%, 8 ईयर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 5 ईयर्स की बात करें तो 37.98% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का 24%, लास्ट ईयर 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल 32% के आसपास का है और 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट 28% के आसपास का है। डेप्ट टू इक्विटी भी जो है 1 पॉइंट से नीचे है, 1% से नीचे देखने को मिल रहा है, 0.28 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत ही कमाल की है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.53%, डीआई के पास 13.14%, पब्लिक के पास 10.74% और एफआई की अगर बात करूं तो 1.59% स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, HLE ग्लास कोट लिमिटेड, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 540 रुपये के आसपास पे, प्रीवियस क्लोजिंग 538 रुपये पे थी। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में 2.5% के आसपास की गिरावट रही है। 1 महीने की बात करें तो स्टॉक 10% के आसपास तक जो है बीते 1 महीने में करेक्ट हुआ। 6 महीने में 4% के रिटर्न्स हैं, जबकि 1 साल का डाटा देखें तो 25% नेगेटिव है और मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखें तो 35% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, क्योंकि लिस्टिंग जो हुई थी 26 फरवरी 2021 को 398 रुपये का स्टॉक था, जो कि इन लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये के लेवल को टच करने के बाद अगर आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई है 764 रुपये, 52 वीक लो 465 रुपये के आसपास का। और इन लेवल्स को अगर आप देखेंगे 8 अक्टूबर 2021 को इस शेयर का प्राइस 1500 रुपये था, जो कि ऑलमोस्ट अभी अपने लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका, ऑलमोस्ट 1000 रुपये तक करेक्ट हो चुका है। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के अंदर भी। इस कंपनी का नाम है HLE ग्लास कोट लिमिटेड। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो HLE ग्लास कोट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास लिन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड ड्रायर्स इक्विपमेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। और कंपनी की अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो कंपनी के जो क्लाइंट बेस में बेयर है, UPL है, सन फार्मा, अतुल, GSK, BASF, PI इंडस्ट्रीज, SRF जो कि केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, जाइडूस, डॉक्टर रेडी, सनोफी एंड अदर्स। टॉप 10 कस्टमर्स ऑफ द कंपनी अकाउंट फॉर 40-50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स हैं उन्हीं से जो है ऑलमोस्ट कंपनी का 40-50% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। मार्केट कैप 3691 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल 17.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2%, फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये के आसपास की है, बुक वैल्यू 48 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है। लास्ट क्वार्टर के अगर हम नंबर्स की बात करें तो 17 करोड़ के आसपास का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि ईयरली बेसिस पे भी डिक्लाइन हुआ था और हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व 315 करोड़, कर्जा 238 करोड़ का है। 2021 की कंपनी की लिस्टिंग हुई है। ऐसे में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, FI 4.30%, पब्लिक के पास और DI के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, 24.85 पब्लिक के पास है और 0.53% जो है पब्लिक के पास DI के पास देखने को मिल रहा है। तो तीनों ही कंपनियां जो हैं स्मॉल कैप कंपनीज हैं,
और अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं आने वाले समय में। 2 से 3 गुना रिटर्न्स जो है इजीली आपको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर बनाकर दे सकते हैं तीनों ही कंपनियां, और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। मौका अच्छा है, करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, और इसीलिए इन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर रखें। क्वार्टर टू के नंबर्स का भी आप लोगों को इंतजार करना कि कैसे कुछ नंबर्स कंपनी अपने क्वार्टर टू के पेश करती हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपका कोई भी डाउट है, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो आपने होल्ड कर रखा है, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।